हम ध्यान योग का जो लिटरल मीनिंग है, ध्यान स्वयं से जुड़ने की जो साधना है, यूनियन विद सेल्फ की जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें उस प्रैक्टिस का पर्पस क्या है? अपने आप से कनेक्ट होना, कनेक्शन और यूनियन विद द सेल्फ। अपने आप से कनेक्ट होना, किसको कनेक्ट होना? अपने आप को अपने आप से कनेक्ट होना, है ना? तो कनेक्शन ऑफ सेल्फ विद द सेल्फ। कनेक्ट कौन होगा? मैं हूंगा। किससे हूंगा? मुझसे हूंगा। अब ये दो चीजें हैं, कनेक्ट होने वाला भी मैं और जिससे कनेक्ट होऊंगा वो भी मैं। तो इसके लिए जो पूरी की पूरी प्रोसेस बताई गई है उसको मैं कहता हूं कृष्णा कॉस्मिक मेडिटेशन। कृष्णा कॉस्मिक मेडिटेशन विच इज द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ भगवत गीता इन द फील्ड ऑफ योगा प्रैक्टिस। मतलब योगा प्रैक्टिकल में ये सबसे उनका अद्भुत योगदान है। कृष्णा कॉस्मिक मेडिटेशन के अकॉर्डिंग जब आप स्वयं से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप अपने, सबसे पहले तो जब कनेक्ट होंगे तो अपने बॉडी पे अपनी अवेयरनेस लेके आएंगे। तो अब तीन पॉसिबिलिटीज है अपने से कनेक्ट होकर के, या तो आप खड़े हो जाए और स्वयं से जुड़ने का प्रयास करें, या आप लेट जाए, या आप बैठ जाए। आइदर स्टैंडिंग पोस्चर में हम सेल्फ जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, सिटिंग पोस्चर में, या लाइंग डाउन पोस्चर। तो कैसे हम अपने ध्यान के अभ्यास को स्वयं से जुड़ने की जो यात्रा है, जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट करें? तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आप खड़े होकर स्टैंडिंग पोस्चर में करते हैं कोई भी काम तो आप लंबे समय तक नहीं कर सकते। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको एक टाइम के बाद आप अपने आप को बहुत थका हुआ फील करेंगे और लो एनर्जी। और अगर आप इसके अपोजिट लाई डाउन हो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो आप कुछ दिन में सो जाएंगे। तो फिर एक मध्यम मार्ग निकाला गया कि व्यक्ति को ये जो स्वयं से जुड़ने की यात्रा है ये बैठ के करनी चाहिए। तो अब इसके फिर कुछ स्टेप बताए गए। तो सबसे पहले हमें बैठना सीखना है कि कैसे बैठे कि हम लंबे समय तक बिना आउटर वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्ट हुए अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट होने की जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हो सके और उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। मतलब स्वयं से जुड़ने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूर्ण कर सके और स्वयं से जुड़ सके। तो इसके स्टेप बताए गए कि सबसे पहले हमें बैठना सीखना, अपनी बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी लाना। दूसरे नंबर पे क्या करना है? तो जब बॉडी स्टेबल हो गए तो अपनी ब्रीथ पे स्टेबिलिटी लेके आना। जब ब्रीथ पे स्टेबिलिटी आ गए तो माइंड में अवेयरनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन लेके आना। तो जब हमारी बॉडी स्टेबल है, हमारी ब्रीथ के अंदर स्टेबिलिटी है, हमारा माइंड जो है वो अवेयर है और कॉन्सेंट्रेटेड है, तो इसके बाद जो हमारी अवस्था होगी दैट स्टेट इज नोन एज द यूनियन विद द सेल्फ, स्वयं से जुड़ने की अवस्था वो होगी। तो इसको भगवान कृष्ण ने बड़ा सिस्टमेटिकली, आसन, आसन के बाद फिर प्राणायाम, प्राणायाम के बाद फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद फिर धारणा, धारणा के बाद फिर ध्यान, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताया। लेकिन भगवत गीता की या किसी भी जो बड़े बड़े टेक्स्ट होते हैं, जो महाकाव्य वगैरह होते हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि ये ऐसे सिस्टमेटिकली नहीं दिया कि आपने गए और आपने ऐसे पढ़ना स्टार्ट किया। आसन की बात कहीं और है, प्राणायाम की बात कहीं और है, फिर ध्यान कहीं बता रहे हैं, प्रत्याहार कहीं बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब जिसके बारे में डिस्कशन आया उन्होंने उस बात को वहां पे कह दिया। अब हमें अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसको एक जगह पहले सिस्टमेटाइज करना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें प्रैक्टिस करना है। तो कृष्ण सबसे पहले भगवद गीता में क्या बताते हैं? तो प्रत्याहार के बारे में बताते हैं सेकेंड चैप्टर में। फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर प्राणायाम के बारे में बताते हैं फोर्थ चैप्टर में, और आगे चलेंगे आप तो फिफ्थ चैप्टर में वो ध्यान के बारे में बताते हैं। फिर आप सिक्स चैप्टर में आएंगे तो फिर वो आसन के बारे में बताना चालू कर देते हैं। फिर वो उसी सिक्स चैप्टर में धारणा के बारे में बताना चालू कर देते हैं। तो अब देखिए इसका जो सीक्वेंस है वो भगवत गीता के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम अध्याय वाइज जाएंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए एक श्लोक कहीं का है, एक श्लोक कहीं का है, आपके सामने स्क्रीन पे ये सब दिखाई दे। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने कहा कि जब आपके पांच चीजें आहार, निद्रा, व्यायाम, विचार और कर्म आपके प्रबंधित हो गए, मैनेज हो गए, बैलेंस स्टेट में आ गए, तो अब आपको अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी, सेल्फ यूनियन की जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करना चाहिए। और उसका सबसे पहला स्टेप है आसना। आपको अपने बॉडी को एक जगह पे स्टेबल करना, और उसी को उन्होंने कहा तो तीन चीजें जरूरी है आसना की। सबसे पहले प्लेस, ठीक है ना, दूसरा बॉडी का एक पार्टिकुलर पोस्चर, और
प्लेस के साथ साथ कुछ ऐसा बेस जिस पे हम लंबे समय तक, आप डायरेक्टली अर्थ पे लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, पाओ में झुंझनी, ब्लड सर्कुलेशन कुछ तो कुछ होने लगेगा। तो आपको तीन चीजें चाहिए, एक तो जगह चाहिए, दूसरा एक मैट चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए, बॉडी का एक पार्टिकुलर पोस्चर। तो यहाँ पे आसन का मतलब तीन है, सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्चतम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर। 6.11 और 6.13 की फर्स्ट लाइन ये मिल करके आसन के बारे में डिस्क्रिप्शन देती है। आसन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो एक नीट एंड क्लीन प्लेस चाहिए। नीट एंड क्लीन प्लेस का मतलब क्या है कि जहां पे शुद्ध हवा मतलब प्योर एयर, और उसके साथ साथ क्या हो, प्योर लाइट, सूर्य का प्रकाश आता हो, और जहां पे शुद्ध एयर का मूवमेंट हो, ये साथ में वहां पे कोई भी गंदगी ना हो, कोई भी कह सकते हैं कि कोई गार्बेज वगैरह, कोई कचरा ना हो, तो देखने में भी साफ सुथरा हो, और वहां पे क्या हो, ऊर्जा का जो स्रोत है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, जो लिविंगनेस है, अलाइवनेस है, वो भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो ऐसे स्थान का सबसे पहले चयन करें, और जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको भी नीट एंड क्लीन कहते हैं। क्लीन का मतलब अभी नहीं कि आप रोड के किनारे बैठ के साफ सुथरा करके, तो वहां पे भी क्या नॉइस है, आपके साथ साथ एयर पॉल्यूशन, बहुत सारी किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती। तो ऐसे किसी भी स्थान का आप चयन करें, लेकिन स्थान के बारे में अभी बता देना, जब तक आपकी प्रोसेस आप उस हायर लेवल पे नहीं चले जाते, आप सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो जाते, तब तक आप प्रयास करें कि एक ही स्थान में हो, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में कहते हैं कि स्थान सिद्धि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब प्लेस जो है ना वो फिक्स होना चाहिए साधना का, उससे हमारी ट्यूनिंग बनती है, जो कुछ भी सिनवर्स के अंदर एनर्जी है, जो भी इनविजिबल, उनके साथ ट्यूनिंग बनती है, और ट्यूनिंग बनती है तो अपने आप को एकाग्र करना, अपने आप को कंफर्टेबल करना, अपने आप को पॉजिटिव करना, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना थोड़ा ईजी होता है। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग जगह पे करेंगे अभ्यास तो हमारा अभ्यास नहीं होगा, लेकिन ये चीजें जरूरी है। तो सबसे पहले प्लेस के बारे में, नीट एंड क्लीन प्लेस हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद अब आपको वहां पे बैठ के अभ्यास करना है, तो अपने बैठने के लिए आपको एक बढ़िया सा योगा मैट, थोड़ा स्पंजी टाइप का, जिसको ट्रेडिशन में कहा जाता है कि कोई मोटा सा कंबल या ब्लैंकेट आप रख लें, 4-5 फोल्ड करके 2x2 का आप बना लें, जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ सके। अगर आपको टिकने की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको बैक सपोर्ट चाहिए, तो उस केस में क्या है, तो उस केस में जब हम भगवत गीता का ये श्लोक देखते हैं 6.11, तो वहां पे बताया गया कि आप एक वुडन की चेयर ले सकते हैं। अब वुडन की चेयर क्या, उसके पीछे का जो कारण है वो कारण अलग है, वहां पे एनर्जी जो होता है वो एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी बनती है, साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक एनर्जी है इस अर्थ की, उससे हम डिस्कनेक्टेड, तो आप वुडन की चेयर ले सकते हैं, लेकिन उस पर आप कैसे बैठेंगे, तो अपने लेग को क्रॉस करके, मतलब बैठना आपको ऐसे पैर लटका के नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल ध्यान की मुद्रा में आपको बैठना। एक चीज तो प्लेस हो गया, प्लेस के बाद फिर हमने मैट डिसाइड कर लिया। अब हमारे बॉडी का पोस्चर कैसे होगा, तो उन्होंने कहा समम काय सिरो ग्रीवम, कि हमारा जो लोअर पार्ट है, जो मिडिल पार्ट है, जो अपर पार्ट है, वो एक अलाइनमेंट में रहेगा, मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो एक अलाइनमेंट में। उसके पीछे का पर्पस क्या है, कि जब आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, तो आपकी ब्रीदिंग बहुत ईजी हो जाती है, ब्रीदिंग बहुत रिलैक्स हो जाती है। अगर आप आगे की तरफ झुकते हैं तब भी आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, अगर आप पीछे की तरफ झुकेंगे तब भी। तो जब आप बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं, तो जो श्वसन क्रिया है, जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस है, वो बहुत इजीली हो जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल शरीर को सीधा करके बैठ जाए। अब यहां तक इन्होंने आसन का डिस्क्रिप्शन दिया, इससे क्या होगा, इससे हमारे बॉडी में स्टेबिलिटी आएगी, शरीर स्थिर होगा, क्योंकि अंतिम लक्ष्य है मन को एकाग्र करना, और जब मन एकाग्र हो गया, मन शून्य हो गया, तो हम स्वयं का अनुभव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब द्वैत की स्थिति रहती है, मैंने आपको पहले बताया ना कि स्वयं को स्वयं से जानने की यात्रा, नोइंग ऑफ सेल्फ बाय द सेल्फ में दो सेल्फ है, तो जब उसमें से एक सेल्फ चले जाते हैं, जो ड्युअलिटी है, जब उससे हम नॉन ड्युअलिटी की तरफ जाते हैं, तो नॉन ड्युअलिटी की तरफ हमारा माइंड हमसे अलग हो जाता है, जब माइंड अलग हो जाता है, सिर्फ एक ही बचता है, विच इज नॉन अदर, प्योर कॉन्शियसनेस, चेतन तत्व। तो आसन क्या है, आसन सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, क्यों, क्योंकि जब तक बॉडी हमारी स्टेबल नहीं होगी, तब तक आगे हम स्टेबिलिटी नहीं ले पाए। आसन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बताया गया कि अगर आपके बॉडी पे स्टेबिलिटी आ गई है, तो अब आप अपने ब्रीथ पैटर्न को सही करें। क्यों, क्योंकि ब्रीथ पैटर्न अपने आप से कनेक्ट होने की, सेल्फ अवेयरनेस की एक सबसे अच्छी टेक्निक।
तो ब्रीथ पैटर्न को करेक्ट करने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज अ टेक्निकली प्राणायाम। प्राणों का जो आयाम है, प्राणों का आयाम का मतलब जो प्राण को हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, प्राण मीन्स जो लाइफ गवर्निंग फोर्स है, जो एनर्जी है, और आयाम का मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो जो प्राणों प्राण का हम आयाम करें, इनहेल और एक्सहेल करें, उसको अगर मैनेज करना, उसको रिदमेटिक करना, उसको बहुत बैलेंस करना, तो बहुत डीपर करना हो, तो उसकी जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज प्राणायाम। उसके बारे में भगवद गीता एक नए तरह का विचार देती है और वो प्राणायाम के तीन या चार प्रकार के बारे में डिटेल में बताती है। उसका जो रेफरेंस है वो भगवद गीता का फोर्थ चैप्टर है, उसमें कहा गया है अपाने जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अब इसको जब हम इसकी कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो पता चलता है यहाँ पे चार लेयर में प्राणायाम की बात की गई है, फोर स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अवेयरनेस के साथ जैसे ही आप करते हैं तो कॉन्शियस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम। तो आप सिंपली बैठ जाए और उसके बाद आप कॉन्शियसली इनहेल और एक्सहेल करें, ना तो आपको डीपर मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करना, सिर्फ जो आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन है वो अवेयरनेस के साथ हो, तो पहला स्टेप। फिर दूसरे स्टेप में इसी श्लोक में बताया गया दूसरा स्टेप क्या है कि उसको अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को डीपर लेवल पे ले जाना। तो अभी भी आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, जब आप अपने दोनों नोस्ट्रल से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं उस समय आप अपने डीपर देखिए कितने गहरे तक आप श्वास ले पा रहे हैं, डायफ्राम नेवल एरिया तक जा पा रहे हैं, और जब आप सिर्फ एक श्वास एक अपने नोस्ट्रल को क्लोज करके सिर्फ एक से जब आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं वो ज्यादा डीपर है या दोनों से। तो इस पे गीता का कमेंट ये है कि जब हम दोनों दोनों नासांद्रों से दोनों नोस्ट्रल से जब हम इनहेलेशन का और एक्सहेलेशन करते हैं तो वो एक लेवल का तो डीपर होता है लेकिन वो पूरी तरह से डीपर नहीं। तो पहले स्टेप में आप दोनों नोस्ट्रल से सिंपली इनहेल और एक्सहेल करते हैं फर्स्ट। सेकेंड में फिर हम क्या करते हैं, एक बार में एक नोज को क्लोज करते हैं, दूसरे नोज से हम इनहेल करते हैं, फिर इसी तरह से दूसरे को क्लोज करते हैं पहले से करते हैं, मतलब अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, इसको हम आज प्राणायाम अनुलोम विलोम कहते हैं। तो इस तरह की अब इससे क्या होता है, हमारी जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन और डीपर लेवल पे जाती है, हमारे नाभि केंद्र और उसके नीचे तक भी जाने की पॉसिबिलिटी होती है। तो पहला स्टेप सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, सेकेंड स्टेप अल्टरनेटिव इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इससे अगर आपने इनहेल किया तो आपको एक्सहेल दूसरे से करना है। थर्ड नंबर क्या है, अब यहां से रियल प्राणायाम स्टार्ट होता है, तो थर्ड नंबर पे आपको डीपर इनहेल करना और फिर उसके बाद होल्ड रोकना, जिसको योग में पूरक कुंभक और रेचक कहते हैं, इनहेलेशन होल्डिंग एंड एक्सहेलेशन। तो अब जब आप ये दो लेवल पे आपका कंफर्ट आ गया कि जब आप बहुत डीपर लेवल पे इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे बहुत कंफर्टेबली, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे प्राणायाम को कि आप इन डीपर अल्टरनेटिव भी रहेगा। तो डीपर एक बार आप इनहेल करेंगे फिर होल्ड करेंगे फिर एक्सहेल करेंगे फिर अगेन इनहेल करेंगे होल्ड करेंगे एक्सहेल करेंगे, लास्ट में अगर टाइम रहेगा तो मैं 5 मिनट इसका आपको अभ्यास कराऊंगा। तो ये थर्ड लेयर हो गया, इसमें क्या एक नई चीज जुड़ गई, पहले मैं सिर्फ इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों नोस्ट्रल से था, नेक्स्ट में अल्टरनेटिव ब्रीदिंग चालू हो गई डीपर लेवल पे ले जाना, थर्ड में इनहेलेशन एक्सहेलेशन साथ बीच में हमने गैप क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, हमने होल्डिंग स्टार्ट कर दिया। फोर्थ में क्या होता है, ये गैप दो राउंड में है कि जब आप इनहेल करने जा रहे हैं तो पहले आपको सबसे पहले होल्ड करना, सबसे पहले आपको पूरक सबसे पहले कुंभक करना। तो अभी आप जैसे इनहेल करने जाएंगे उसके पहले अभी आपने होल्ड किया हुआ है, मतलब ना तो आप इनहेल कर रहे हैं ना एक्सहेल कर रहे हैं, फिर आपने इनहेल किया फिर आप होल्ड करेंगे फिर आप एक्सहेल करेंगे फिर आप होल्ड करेंगे फिर देन इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड। अब क्या होगा कि पहले हम इनहेलेशन के बाद बस होल्ड कर रहे थे, अभी बिफोर इनहेलेशन भी हमें होल्ड करना, तो पूरक के पहले भी कुंभक करना पूरक के बाद भी कुंभक करना, इसको कहते हैं बाह्य कुंभक। इस तरह से फोर स्टेप ऑफ प्राणायाम इस चौथे अध्याय के 29वें श्लोक में 4.29 में भगवान कृष्ण ने बताया। और जब ये हम फोर लेयर ऑफ ब्रीथिंग प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रीथ का एक पैटर्न बन जाता है, तो जैसे ब्रीथ का पैटर्न डेवलप होता है
तो हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, उनमें तो बैलेंस आता है। दूसरा, माइंड हमारा वन पॉइंटनेस के तरफ जाने लगता है, मतलब मन एकाग्र होने लगता है। जो फ्लक्चुएशंस या डिस्ट्रेक्शंस माइंड में रहते हैं उनको बहुत इजीली कंट्रोल किया। और ऐसा कहा गया योग में कि अगर आपको सच में माइंड को कंट्रोल करना है, तो माइंड कोई ऐसा दिखाई देने वाला इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा ऑर्गन तो है नहीं कि आप इसे पकड़ लें। जैसे मुझे अपने हाथ को कंट्रोल करना तो मैं पकड़ लेता हूँ, तो माइंड के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। बट है, कहते हैं कि माइंड और ब्रीथ का रिलेशन, अगर आपने अपने ब्रीथ पे होल्डिंग लेके आ गए आप, तो आप अपने माइंड को इमीजिएटली होल्ड कर सकते हैं, इमीजिएटली उसको पकड़ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो मन के प्रबंधन के लिए या मन के जितने भी माइंड के जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उन सबको ठीक करने के लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है, दैट इज प्राणायाम। और प्राणायाम की चार स्टेप, चारों स्टेप में कितनी कितनी देर करना, आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से डिसाइड करना। अगर आपका कंफर्ट है तो आप दिन भर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम, जितनी देर तक आपका कंफर्ट हो। लेकिन उसमें डिसाइड किया गया था 10 राउंड 10 राउंड 10 राउंड 10 राउंड या 12 राउंड या 20 राउंड, जो चार लेयर मैंने बताया, तो उसके 10 10 आवृत्तियां या 20 20 आवृत्तियां हम करते हैं कि हाँ इतनी देर में कर पाऊंगा। और आपके पास ज्यादा समय हो तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपका कंफर्ट लेवल किस तरह का। हो सकता है 3 आवृत्ति, मतलब 3 राउंड के बाद ही आप अपने आप कंफर्टेबल ना पाए, तो आपको वहीं पर रोकना पड़े। जैसे प्राणायाम होता है, वैसे हम अगर प्राणायाम की जैसी सिद्धि होने लगती है, हमारी ब्रीथ रेट, हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, बहुत जब सिस्टमेटाइज हो जाता है, तो दो चीजें होती है। एक तो हमें अपने सेंसेस पे बहुत कंट्रोल आने लगता है, हम सेंसेस को इजिली कंट्रोल कर पाते, और साथ में हमारा माइंड के अंदर अवेयरनेस और कॉन्सेंट्रेशन आने लगता है। तो जब सेंसेस कंट्रोल होने लगे, तो अब अवेयरनेस के साथ आप जो सेंसेस को कंट्रोल करने की पूरी प्रोसेस है, मतलब सेंसेस का जो टेस्ट है या सेंसेस का जो अट्रैक्शन है, जब उसको हम विड्रॉ कर देते हैं, और वो पावर कहाँ से आती है, प्राणायाम से, तो उस पूरी प्रोसेस को प्रत्याहार कहते हैं, जो भगवद गीता के 2 अध्याय के 58वें श्लोक 2.58 में बताया गया है। यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानी व सर्वसह इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किस तरह से क्या होता है कि शरीर, शरीर के बाद ब्रीथ, ब्रीथ के बाद सेंसेस पे हमारा भी कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आ गया मतलब अब ये जब हम इनर वर्ल्ड की जर्नी में जाएंगे, तो हमें किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। अब अगला आता है मन को एकाग्र करना, मन को किसी एक पॉइंट पे लंबे समय तक रोक के रखना। तो जो नो माइंड की स्टेट है, जो अमन की अवस्था है, तो वो अमन अवस्था कब प्राप्त होगी, जब मन हमारा एक बिंदु पे बहुत लंबे समय तक रहता है, तो मन का अस्तित्व ही मिट जाता है। और उसका जो अभ्यास है वो दो स्टेप में डिवाइडेड है, एक तो है धारणा, दूसरा है ध्यान। तो ध्यान का अभ्यास किया नहीं जा सकता है, ध्यान इज द नेचुरल आउटकम ऑफ धारणा, धारणा इज द काइंड ऑफ वन पॉइंटनेस और कॉन्सेंट्रेशन। जब माइंड को हम एक पॉइंट पे किसी एक ऑब्जेक्ट पे लंबे समय तक एफर्टली, बहुत एफर्ट के साथ एकाग्र करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो माइंड क्या होता है, नो माइंड स्टेट में चला जाता है, और हम ऑटोमेटिकली ध्यान में चले जाते हैं। जहां निर्मन की अवस्था है, उसी अवस्था को ध्यान। तो माइंड को कैसे करें कंट्रोल, तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिकल स्टेप बताया गया है। वो स्टेप क्या है, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशानवलोकयन। मन को किसी एक बिंदु पर हमें एकाग्र करना, नियंत्रित करना, तो किसी पे भी कर सकते हैं, किसी पिक्चर पे, किसी स्टेच्यू पे, किसी इमेज पे, किसी पे भी हम अपने मन को एकाग्र करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, वो पॉइंट का भगवान कृष्ण ने टिप ऑफ नोस, अपने नासिका के अग्र भाग पर, टिप ऑफ नोस पे जब हम अपने फोकस, अपने आईज को फिक्स कर देते हैं, तो इससे अपने माइंड को एकाग्र करना बहुत सरल हो जाता है। तो कहाँ पे माइंड को वन पॉइंटनेस लेके आए, तो अपने टिप ऑफ नोज में, संप्रेक्ष्य मतलब कंटिन्यूअस, हमें कहाँ देखना है तो देखना, ऑब्जर्व करना है तो यहाँ पे देखना है, तो नासिका के अग्र भाग पर, स्वम अपनी दिशा अवलोकन, फिर इधर उधर कहीं मूवमेंट नहीं, अटक मतलब विदाउट एनी फ्लक्चुएशन कंटिन्यूअसली आपको यहाँ पर फोकस करना, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ धारणा। और ये बहुत इफेक्टिव है, इसका प्रैक्टिकल भी किया गया। जब आप लंबे समय तक अपनी नोज को देखते रहते हैं, तब आपको सच में एकाग्रता की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे आप देखने के मतलब देखना वहां पे कॉन्सेंट्रेट स्टार्ट करेंगे, अपने विजन को, साइट को वहां पे फिक्स करेंगे, तो बार बार जो आपका टिप ऑफ नोज है वो क्या होगा, बहुत ब्लर हो जाएगा, बहुत धुंधला हो जाएगा। तो फिर आपको अपनी अवेयरनेस बनानी पड़ेगी।
जैसे आपकी हल्की सी भी अवेयरनेस इधर उधर हुई वो ब्लर होना चालू हो, तो फिर आप जितने आप बार 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 अवेयरनेस लेके आएंगे तो माइंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। अब यहां तक हमने तो एफर्टली किया, हमने कंसियसली किया, यहां के बाद क्या होता है, एक स्टेट ऐसी आएगी जब आपका जो दोनों आंखें हैं, जो दोनों आईज हैं, वो ना बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, अब लगेगा कि आप देख नहीं सकते, और जब उस हाईली अनकंफर्टेबल स्टेट में जाएंगे तो आप अपने आप को रिलैक्स छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए मतलब अगर आंखें बंद होना चाहते हैं तो बंद होने दीजिए, और जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है, आपकी आईज नेचुरली क्लोज होती है, तो उसके बाद आप जिस अवस्था में होते हैं वो अवस्था ध्यान की, और वो कितने देर तक रहती है वो डिपेंड करता है कि आपकी धारणा कितनी अच्छी है, आपने कितना अच्छा वन पॉइंटनेस को प्रैक्टिस किया है, अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि आप कितने देर तक निर्मल की अवस्था में रहेंगे, नो माइंड स्टेट में रहेंगे, जहां पे कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई डिजायर नहीं है, कोई मेमोरीज नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, वो कैसे पता चलता हमारी धारणा के, तो धारणा के अभ्यास का ध्यान स्वयं ही घटित हो। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, भगवान कृष्ण ने मेडिटेशन की एक टेक्निक बताई, टेक्निक बताई है पांचवें अध्याय के 27वें श्लोक में 5.27। उन्होंने कहा कि ध्यान का अभ्यास कैसे करें, तो उन्होंने कहा स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाह्याश चक्षुश्चैवान तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारण। तो तीन चार चीजें बताई, जब आप आसन में बैठ गए, आपने प्राणायाम कर लिया है और अब आपको क्या करना है, ध्यान का अभ्यास करना है, तो सबसे पहले तो आपका जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, प्राण एंड अपान, इसको बैलेंस कर देना, बैलेंस कर देना मतलब नेचुरली एक रिदम के साथ आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, आप उसमें कोई एफर्ट पुट नहीं कर। दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपका पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे होगा, बिटवीन टू आईब्रोज, यहाँ पर आपका फोरहेड पे फोकस होगा। तो अब आप अपनी ब्रीथ को बहुत नॉर्मलाइज करिए और अपने फोकस को आप आज्ञा चक्र पे लेके आइए। अब आप एक कुछ देर तक जब ऐसा अभ्यास करेंगे तो लगेगा ना तो ब्रीथ एक पैटर्न पे जा पा रही है और ना तो आपको यहाँ पे फोकस कर पा रहे, बार बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इसका सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, उसकी बेस्ट टेक्निक जो धारणा बताए, जब आप धारणा का लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो उससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो आपकी ब्रीथ एक पैटर्न में नेचुरली चली जाती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, स्वाभाविक रूप से आपकी जो सांस की गति है वो बिल्कुल सामान्य और गहरी हो जाती है। दूसरा आप करके भी देखेंगे हमारा माइंड बहुत नेचुरली आराम से भ्रू मध्य में नेचुरली आकर के हमारी पूरी अवेयरनेस वहां पे रुक जाती है। तो ये जो ध्यान की इन्होंने प्रक्रिया बताई, वो ध्यान की प्रक्रिया को कहते हैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कराया था, जब अर्जुन की काउंसलिंग कर रहे थे और अर्जुन के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं देखे, तो कहते हैं छठे अध्याय में आकर के भगवान ने उसको कहा कि अर्जुन अभी बातचीत नहीं करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं, देयर नो वो डिस्कशन, सिंपली मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको फॉलो करना, और उन्होंने वही जो बताया तो फोर्थ चैप्टर इसको मिलाकर के किया, उसका अभ्यास अभी हम लोग भी करते हैं अगले 5 मिनट के लिए। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर लें, किसी भी जगह पे अपने आप को बहुत कंफर्टेबली स्टेब्लिश कर लें, उसके बाद एक एक इंस्ट्रक्शन मैं देता जाऊंगा, अपने दोनों आईज को क्लोज कर लें। आप जैसे भी आपकी जो भी हो इनहेलेशन एक्सहेलेशन आप जैसे भी कर सकते हैं, आप डीपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करने का प्रयास करें, दोनों नोस्ट्रल आप प्रयास करें कि आपका जो ये पूरा जो चेस्ट का एरिया है पूरा एक बैलून की तरह पूरी तरह से भर जाए, और जब भर जाए तो निकालें, उसके नीचे डायफ्राम तक जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर के चेस्ट के एरिया को आप पूरा भरने का प्रयास करें। ऐसे हम 5 to 6 राउंड करेंगे। अपर चेस्ट में यहां पर पूरा आपको पूरा फिल करना है, उसको फुल कर देना है कंसिस्टेंटली, जितने आप कर सकते बहुत जोर से नहीं करना, बट हाँ थोड़ा सा स्पीड के साथ, इससे ऐसा रहे कि हाँ वॉल्यूम में आप खुला रहे, लेकिन जब आप एक्सहेल करें तो थोड़ा रिलैक्स वे में।
जब आप ऐसे 5 से 5 to 6 टाइम करेंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा आपका मन एकाग्र हो रहा है, मन शांत हो रहा है। अब अपने आप को इनहेलेशन एक्सहेलेशन से दूर कर, नो इनहेलेशन नो एक्सहेलेशन, मतलब आप नहीं करेंगे, नेचुरली हो रहा तो होने। और अब आप अपने आप को कैसे भी करके, मतलब ये जो आपका थंब है इससे आपको अपना लेफ्ट, और जो कोई से भी, एक तो प्राणायाम मुद्रा होती है इस तरह से भी कर सकते हैं, कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, आप जिससे भी कंफर्टेबल हो, आपको इस नोज को और इस नोज को क्लोज करना है, जो भी आपकी कंफर्टेबल स्टेट हो आप उससे क्लोज करेंगे। मतलब हम अल्टरनेटिव ब्रीदिंग करेंगे 5 to 6 राउंड अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं बिल्कुल प्राणायाम मुद्रा नहीं कर रहा, बिल्कुल सिंपली जिससे हाईली कंफर्टेबल, सिंपली मैंने इससे नोज अपना क्लोज किया, कौन सा राइट नोज को क्लोज कर रहा हूँ, लेफ्ट से इनहेल करूंगा, फिर लेफ्ट को क्लोज करके राइट से एक्सहेल करूंगा, और जितना डीपर हो सकता है, जितना स्लो हो सकता है उतना करूंगा। तो आप सब भी अभ्यास करेंगे। इस समय ये ध्यान रखना है कि अपर चेस्ट के साथ साथ लोअर अब्डोमिनल पार्ट तक, जितना लोअर लेवल तक आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर, मतलब इनहेल कर सकते हो, उतने लेवल लोअर लेवल तक फुल करना अपने आप को। जब तक पूरी तरह से फुल ना हो जाए तब तक आपको अल्टरनेटिवली नहीं जाना, पूरा फुल करना, समझिए पूरे के पूरे एक बैलून को नीचे से लेकर ऊपर, चेस्ट से लेकर के पूरे डायफ्राम के एरिया को पूरा फुल करना, और जब फुल हो जाएगा तो आपको खुद ही सिग्नल मिलेगा, उसके बाद फिर आपको एक्सहेल करना स्टार्ट करना, इसी तरह से लेफ्ट से भी राइट से भी। इस तरह से 4 से 5 राउंड तक आप करें, उसके बाद फिर बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए। अब हम थर्ड स्टेप का प्राणायाम करेंगे जिसमें हम कुंभक करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट से इनहेल करेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे, उसके बाद फिर राइट से एक्सहेल करेंगे, फिर इनहेल करेंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे। पहले हम सिर्फ इनहेल एक्सहेल कर रहे थे, अब हम बीच में स्टॉप लेके आएंगे आपके इनहेलेशन।
अब कितनी देर होल्ड करना, जब तक आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करें, आपके अपने कंफर्ट अकॉर्डिंग आप अपनी होल्डिंग रखें। जैसे ही आपको लगे अनकंफर्टेबल है आप रिलीज कर दें, फिर आप इनहेल करें, एक्सहेल करें, इस तरह से 2-3 राउंड करें। आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड जितना करना चाहें कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट स्टेप ऑफ प्राणायाम, जिसमें हम इनहेलेशन के पहले होल्डिंग करेंगे, फिर इनहेल, फिर होल्डिंग, फिर एक्सहेल, फिर होल्डिंग, इसको कहते हैं बाह्य कुंभक। तो सबसे पहले आपने ये किया, आप सिंपली अपने आप को क्या करेंगे, नोज को क्लोज नहीं करेंगे, आप इनहेल नहीं करेंगे, बस फिर उसके बाद इनहेल करना स्टार्ट करेंगे कुछ देर के बाद, जब आपका कंफर्ट खत्म हो जाए, फिर अगेन होल्डिंग, फिर एक्सहेल के बाद वहीं पे होल्ड कर देना, आपको इनहेल नहीं करना, फिर इनहेल करें, फिर होल्ड, फिर एक्सहेल, फिर होल्ड। मतलब बिफोर इनहेलेशन और आफ्टर एक्सहेलेशन आपको दोनों टाइम पे चेष्टा करना, तो बिफोर इनहेलेशन और आफ्टर इनहेलेशन, बिफोर एक्सहेलेशन और आफ्टर एक्सहेलेशन, ये दो दो तरह से ये 4 स्टेप ऑफ प्राणायाम आप मिनिमम 5-5 राउंड सबका कर सकते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। तो आप 3 राउंड से भी स्टार्ट करें, फिर 5 ले जाएं, 7 ले जाएं, 10 ले जाएं, 20 ले जाएं, 30 राउंड तक आप इसको ले जा सकते हैं। 30 राउंड तक जब आप करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो ब्रीदिंग पैटर्न है, पैटर्न में आ जाता है, माइंड अपने आप एकाग्र हो जाता है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं, किसी पिक्चर पे मन को एकाग्र करने की कोई जरूरत नहीं, मन अपने आप देखेंगे शांत हो जाएगा, सकारात्मक हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, एनर्जेटिक होगा, क्लियरिटी आएगी, सिर्फ प्राणायाम के अभ्यास से। और ये 4 स्टेप, इसको मैं कृष्णा कॉस्मिक मेडिटेशन या कृष्णा कॉस्मिक प्राणायाम कहता हूँ, जो भगवद गीता के श्लोक में बताया। अब जब आपका प्राणायाम हो जाए तो अपने आप को कुछ देर रिलैक्स करें, आंखें बंद रख करके ही रिलैक्स करें, और उसके बाद फिर अपने आईज को बहुत धीरे से ओपन करें और अपने टिप ऑफ अपने नोज के टिप पे फोकस करना स्टार्ट करें। जब आपको लगे तब आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं तो नेचुरली आईज को क्लोज होने दें। अब इस समय आपका जो पूरा का पूरा स्ट्रेस है वो बिटवीन आईब्रोज, जिसको हम अज्ञा चक्र भी कहते हैं, नेचुरली हो रहा है, आप वहां पे कोई स्ट्रेस नहीं दे रहे, बस आप नोज के टिप पे अपना फोकस लेके आ रहे हो, स्ट्रेस पूरा कहाँ पे हो रहा है, आपके दोनों भ्रुवों के मध्य में, जो भगवान कृष्ण ध्यान की विधि को कहते हैं। जब लगे आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप आंखें बंद करें, आंखें बंद करेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा स्ट्रेस, पूरा फोकस कहाँ पे, बिटवीन आईब्रोज,
आपने अब आप अपने आप का आइब्रोस फिक्स नहीं कर, नेचुरली आपका पूरा स्ट्रेस, पूरा अवेयरनेस, पूरा फोकस, आपकी एनर्जी कहाँ पे है? बिटवीन आइब्रोस। अब वो जितने देर तक आपका वहां पे नेचुरली फोकस रहे, आप आंखों को, आईज को क्लोज रखेंगे, उसके बाद फिर अगेन ओपन करें, अपने टिप ऑफ नोज पे फोकस करें और फिर आप अपने आईज को क्लोज करें और धीरे 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 आपका क्या है यहाँ पे जो एकाग्र करने की स्वाभाविक एकाग्र नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ता जाए और इस तरह से आपके ध्यान की प्रक्रिया आरंभ होगी और यहाँ से आगे समाधि का द्वार निकलेगा या ध्यान की उच्च अवस्था, जिसको मैंने कहा नो माइंड की स्टेट। यहाँ पे मन रहेगा ही नहीं, सिर्फ आपको शून्य, नथिंगनेस फील होगा एंड दैट नथिंगनेस, दैट शून्य इज अ नॉन अदर ब्लिस एंड दैट इज अवर रियल एग्जिस्टेंस, दैट इज अवर कॉन्शियसनेस, दैट इज अवर चेतना। चलिए अब बहुत नॉर्मल हो जाएंगे, अपने आप को कंफर्टेबल करके अपनी आईज ओपन कर लेंगे। तो ये भगवत गीता का योग है, ये प्रैक्टिकल है। ये कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसका अभ्यास कराया। ये हमें इनके कमेंट्रीज में, जब हम भगवत गीता कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है। अब आगे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सब लोग कंफर्टेबल हो जाइए। आगे के डिस्कशन में यह है कि जब ये पूरी टेक्निक और ये सब कुछ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता दिया तो अर्जुन एक सीवियर स्टेट में पहुंच गया था, जहां पे वो बहुत ज्यादा सोच रहा था। उसने कहा कि ये सब करने के बाद भी उसने कहा कि श्री कृष्ण मेरा मन अभी भी स्थिर नहीं हो रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा है। I'm not able to take exactly what I want to do कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, अभी भी मेरा मन एकाग्र नहीं हो। तो ये सारी प्रोसेस के बाद जो काउंटर किया अर्जुन ने, उसने कहा चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। कि इस मन को कंट्रोल करना ना, इस मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इतने इजी नहीं हो। तो भगवान कृष्ण ने उसकी रिप्लाई बहुत इंटरेस्टिंग वे में दी, लेकिन उसकी रिप्लाई वो पहले ही दे के आ गए। तो उन्होंने कहा अर्जुन जो बात तुम अभी कह रहे हो ना, अभी सिक्स चैप्टर में, ये बात मैंने दूसरे चैप्टर में ही कह दी थी कि यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रश्वम मन। माइंड को बहुत एफर्ट करने के बाद, कंटिन्यूस एफर्ट करने के बाद भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, माइंड सेंसेस के ऑब्जेक्ट में अपने आप को अटैच कर लेता है। साथ में जब हम माइंड को कंट्रोल करते हैं तो कुछ टाइम के लिए तो माइंड कंट्रोल हो जाता है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इट मीन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, कुछ देर लगता है कि माइंड कंट्रोल में आ गया, लेकिन उसके बाद फिर से माइंड फोर्सफुली हो जाता है, फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर से क्या होता है कि वो हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस या कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनती। तो कृष्ण, भगवान कृष्ण अर्जुन ने जो बात कही वो बोले ये बातें मैं पहले कह के आया हूँ और ये कहा सब सेकेंड चैप्टर में कह दी। इंद्रियाणाम हि चरताम यन मनुनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम इवाम भसी। कि मतलब हमारा माइंड नेचुरली डिस्ट्रैक्ट होता रहता है जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइंड को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है और उसके लिए उन्होंने कहा असंशयम महाबाहो मनोदुर निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। के अर्जुन इसमें डाउट नहीं कि माइंड को कंट्रोल करना टफ है ना, बहुत इजीली कंट्रोल होता नहीं, बट कंटिन्यूअस एफर्ट जब हम करेंगे अभ्यास, कंटिन्यूअस एफर्ट तो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वैराग्य का मतलब है डेडिकेशन और अभ्यास का मतलब है कंटिन्यूएशन। तो
डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कंटिन्यूअसली अपने माइंड को कंट्रोल करने की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेंगे तो इसमें फिर कोई डाउट नहीं कि माइंड कंट्रोल नहीं हो। तो कैसे करें, तो माइंड कंट्रोल करने की दो चीजें बताई उन्होंने, सनई ही उपरमे, कि बहुत स्लोली माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, धीरे धीरे, सनई सनई मतलब वेरी स्लोली, सनई ही उपरमम एतद् बुद्ध्या धृतगृहीतया, अपने इंटेलेक्ट का यूज करके, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा करके हमें धीरे 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 अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचित अपि चिन्तय, ये सोचना ही नहीं चाहिए कि माइंड कंट्रोल नहीं होगा। तो धीरे 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 हमें क्या करना चाहिए, माइंड को कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करना चाहिए, यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशम् नयति, कि माइंड जहां जहां पे भी जा रहा आप माइंड को फॉलो कर, जहां गया वहां से पकड़ के लेके आई, फिर गया फिर लेके आई, यतो यतो वेर एवर द माइंड इज गोइंग, जिस भी जिस ऑब्जेक्ट से भी जिस आइडिया से भी वो कनेक्ट हो रहा आप उसके साथ अवेयर रहिए, गया आप वहां से पकड़ के ले आई, फिर कुछ देर कॉन्सेंट्रेट रहेगा फिर जाएगा फिर लेके आइए, नियम में ही फेदर रेगुलरली आपको करना पड़े, और जब रेगुलरली करेंगे तो नो डाउट माइंड को हम बहुत इजिली नो माइंड की स्टेट पे चले जाएंगे, मतलब हम माइंड को किसी ऑब्जेक्ट के पास भेजेंगे तो जाएगा, अदरवाइज तो नेचुरली अपनी पावर को और हमारी पावर को वायलेट नहीं करेगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा अभ्यास है जो ध्यान योग के नाम से जाना जाता है, और इसको जो मुझे आज डिस्कस करना था वो ये सारी चीजें थे जिसमें मैंने आपको दो पार्ट में ध्यान योग बताया। पहला तो बताया सिंपल लाइफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टूल्स हैं, जो स्टेप्स हैं भगवत गीता में, और दूसरा अपने लाइफ की हायर पॉसिबिलिटीज, अपने सेल्फ के साथ सेल्फ को कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग कहते हैं, और उसके बारे में आज मैंने आपसे भी बातचीत की। अब अगले 10 to 15 मिनट्स हमारे पास है, तो अगर आप लोग चाहें तो